फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है हमारे पास प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार किया है। देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक आपने इनको चॉप कर लेना है, या फिर इनका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद ये हमारे पास है टमाटो का पेस्ट और ग्रीन चिली है, इसका मैंने पेस्ट बनाया है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बॉयल्ड अंडे हैं मेरे पास, जिनको इस शेप से मैंने काट लिया है। आप भी ऐसे इसको काट लें। और अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल जो है वो रखा है, और 1 कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है प्याज, और इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। देख सकते हैं प्याज का पेस्ट है ये हमारे पास। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसका ढक्कन जो है वो बंद करके इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। और इसमें सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो हमारे प्याज हैं वो जल्दी पक जाते हैं। ये देखें, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और इसको मिक्स करके एक जगह पे यकजा कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से इसको फैला के और इसका ढक्कन बंद कर दें। तकरीबन 15 मिनट तक यहाँ पे हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। जी, तो ये देखिए प्याज जो हैं वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये सेट हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है काली मिर्च साबुत, ये हम इसमें डालेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये देखें, ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और हर मसाले को आप कुछ सेकेंड्स के लिए पकाया करें। इससे हर मसाले की एक अपनी ताज़गी जो है वो आती है, और अपना एक जायका बनता है जो कि बहुत ज़बरदस्त। इससे आपकी जो हांडी है वो बहुत जायकेदार बनेगी, ये देखें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक पाउडर, और ये मैं 1 चम्मच भर के डाला है। इसको मिक्स करें, क्योंकि इससे ना हमारे हांडी का जो कलर होता है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रीन चिली, जो कि आप देखिए मैंने मैश किया है इसको अच्छे तरीके से। ये आप इसमें ऐड कर लें। जो ग्रीन चिली होती है, इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो जायका होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप अपनी हांडी में काली मिर्च और जो सुर्ख मिर्च है, अगर आप वो ये ना भी यूज़ करें तो भी आपकी हांडी को 4 चांद लगा देती है हरी मिर्च। जी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये हमारे पास कसूरी मेथी, इसको आप हाथ से इस तरीके से मसल के इसमें डालें। इससे इसका टेस्ट जो है वो दोबला हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो का पेस्ट, ये देखें, यह हम ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से पकने देना है। व्यूअर्स, तो ये देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी पानी का छौक, बस तकरीबन थोड़ा सा हम पानी का छौक लगाएंगे इसमें। और फिर अब हम इसमें ऐड करते हैं एग्स जो मैंने बना के रखे थे आपके सामने। अब हम इसमें करेंगे ऐड वो, क्योंकि अब ये जो हमारा मसाला है हांडी का वो रेडी है। ये देखें, और चलें अब डालते हैं इसमें एग्स। तो अच्छे तरीके से आप हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। एक डिफरेंट रेसिपी बन जाती है, और जायके में भी डिफरेंट, टेस्ट में भी मज़े की। अगर आप इसको सिर्फ 2 हिस्से में काट के डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही साबुत अंडा भी डाल सकते हैं। और अब थोड़ी सी हम इसकी करी बनाएंगे। करी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, ये देखें, बस इतना हो कि जिसमें ये डिप हो जाए। ये देख सकते हैं आप,
और बहुत ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ही बीच में फिनिश हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं फ़ौरन डालूँगी, हमारे पास है ग्रीन कोरिएंडर और साथ में हमारे पास है नियाज़बो लीव, ये इसमें मैं डाल के और फ़ौरन हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको यहाँ पे पकने देंगे और उसके बाद आप सर्व करें अपनी फैमिली के सामने, अपने मेहमानों के सामने और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। व्यूअर्स, तो ये रहा हमारा अंडा करी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।